नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर खसूसी तैयारे से लाहौर पहुंच गए हैं। इसी पे मजीद बात करेंगे राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, बताइएगा तीनों कैदी अभी तक लाहौर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं या वहां से रवाना हो गए? जी, हज टर्मिनल पे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनकी अपनी अहलिया की जो वफात के फौरन बाद जो उनको पेरोल पे छोड़ा गया, उसके साथ उनकी बेटी मरियम नवाज और साथ उनके वजीर अला पंजाब यहाँ शहबाज शरीफ और कैप्टन सफदर को मौजूद सिक्योरिटी के अंदर लाहौर एयरपोर्ट को रवाना कर दिया गया। ये प्राइवेट जेट कह रहा था जो तकरीबन 25 मिनट के बाद इस्लामाबाद से लाहौर के लिए लैंड किया और तकरीबन 35 मिनट में इनको टोटल जो रूट दिया गया था वो 35 मिनट का था और वो हज टर्मिनल से लाहौर से जाती उमरा लाहौर एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। सिक्योरिटी के अंदर ये सारी सिक्योरिटी पंजाब पुलिस ने अरेंज की गई थी और सिक्योरिटी के अंदर जो मुतलका एसपी डीएसपी सिक्योरिटी सारे यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं रखेगी उनके साथ। जबकि लाहौर एयरपोर्ट की रनवे को उनकी आमद से कबल ही हज टर्मिनल को सिक्योर कर दिया था और एएसएफ के तमाम एहलकारों को उनके तैयारी के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया गया था। यहाँ पे उनके किसी के साथ मुलाकात नहीं की गई और जो उनको अपराध मुस्लिम लीग लोगों के कुछ रहनुमा ऐसे थे जो उनके करीबी अजीज थे जो लेने आए थे वो वहाँ पे मौजूद थे। इस वक्त यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट से कुछ गुफ्तगू भी हो रही है जिसमें सबक एम पी है और राना अशरफ भी यहाँ पे मौजूद हैं और दीगर जो उनसे हैं वो भी। जी ठीक है राना मोहम्मद अली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं वो खसूसी तैयारे से तकरीबन 25 मिनट में जो है इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे हैं, जबकि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का खसूसी तैयारा जो है वो कुछ देर कबल लाहौर लैंड कर चुका है हज टर्मिनल और जाती उमरा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि एएसएफ के जो हुकाम थे, जो एहलकार थे, उन्होंने हज टर्मिनल को सिक्योरिटी को वहाँ पर यकीनी बनाया और इस सारी सूरत हाल में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए, जबकि 25 से 35 मिनट का वक्त दिया गया था और 25 मिनट में जो है वो तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं उनको जाती उमरा तक ही महदूद रखा जाएगा। अभी वो हज टर्मिनल लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जबकि इससे थोड़ी देर कबल जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। हज टर्मिनल पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम नवाज, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो खसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर 25 मिनट में पहुंचे और अब उनको जाती उमरा ले जाने के लिए इस वक्त तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और यहां एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने किसी से भी मुलाकात नहीं की, ना ही करवाई गई और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। आज बेगम कुलसुम नवाज की वफात की जब खबर सामने आई तो उसके बाद से पेरोल पर जो है वो दरख्वास्त दी गई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से और उसको फौरी तौर पर मंजूर किया गया। 12 घंटे के पेरोल पर उनको रिहाई मिली है। 25 मिनट में इस्लामाबाद से लाहौर ये तैयारा पहुंचा है और अब जाती उमरा ले जाने के लिए इस वक्त इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, जबकि ये वो मनाजर हैं जिसमें देखा जा सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो खास अफसरदा नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको आज सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया है।